नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक गणों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत इंफो YouTube चैनल में। हम आपको जहां से प्रोवाइड कराते हैं हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से। दोस्तों, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के पहले आपको पता होगा कि यहां पर वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जो है अभी लगी हुई है, और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ साथ यहां प्रधानमंत्री चुनाव के लगभग दो उम्मीदवार आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी का प्रवास अभी मध्य प्रदेश में 3 से 4 जगह हो चुका है। निरंतर मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी उनके साथ प्रवास में हैं, और प्रवास में चलते हैं कि ऐसा करके हुए। और इन्होंने अभी जो वर्तमान में यहाँ कल का जो उनका प्रवास रहा वो कैलारस में रहा, जहाँ की कैलारस में उन्होंने अपना बयान दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों को लेकर आ रही है कि अतिथि शिक्षकों ने राहुल गांधी जी को ज्ञापन सौंपा और नियमित करने की मांग कही। तो ज्ञापन सौंपते हुए अतिथि शिक्षकों ने मांग किया कि नियमितीकरण किया जाए। इसके विपक्ष में या इसके समकक्ष राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया, इसके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि कब तक नियमितीकरण की बात हो जाएगी, कब तक नियमितीकरण करने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह सकरवार के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सरकार बनने के बाद घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, लेकिन 125 दिन बाद भी इनके आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जबकि नया शिक्षा सत्र 1 महीने बाद शुरू होने जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा तो वे कम वेतन में पूरी जिम्मेदारी से या जिम्मेदारी से ड्यूटी नहीं कर सकेंगे, और अतिथि शिक्षकों ने कहा कि उन्हें जल्द से नियमित किया जाए। आगे कुछ और संबंधित जानकारी इसमें नहीं है, हालांकि वो ज्ञापन मेरे पास नहीं मिल पाया है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी ज्ञापन भी इन्होंने दिया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और ये जो है कब प्रोग्राम हुआ था तो सेवा के नियमित किए जाने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ के नेतृत्व में कैलारस क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी को बुधवार को ज्ञापन सौंपा। कब सौंपा, ये बुधवार को, कल की खबर रहेगी, आप यहाँ देख पाएंगे। दैनिक भास्कर की खबर थी 9 मई 2019 की। तो बड़ी यहाँ पर ज्ञापन की बात कही गई, लेकिन राहुल गांधी जी ने ज्ञापन लेने के साथ आश्वासन दिया है, और ज्ञापन में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कही गई थी, और बहुत सी चीज़ें वो ज्ञापन एक्चुअली मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कौन कौन सी मांगें रखी गई थी उस ज्ञापन के माध्यम से। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण और शिक्षा सत्र चालू होने से पहले उनके संबंध में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो भी खबर आएगी हम सबसे पहले आपके लिए प्रभारी करा देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।